स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस देख रहे थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस सामने रखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट एनालाइज्ड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू। फर्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज? प्राइस में चेंज। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आएगा। फिर उसके बाद अपन आए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर उसके बाद आए सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, व्हाट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद अपन आए मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। क्या है सब यूसेज? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। ओके, उसके बाद मटेरियल का देख रहे थे अपन। एक क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं, देखते तुमको जमता। से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट क्यू पाने के लिए एस एंड पी, सॉरी एक्स एंड वाई को 2:1 रेशियो में मिक्स करना पड़ता है। 2:1 रेशियो में मिक्स करना पड़ता है। अगर मैं 120 किलो इनपुट देता हूं तो 100 आउटपुट आता है। एक पर्टिकुलर मंथ का आउटपुट है सपोज 50,000 एंड एक्स एंड वाई को उस समय किया गया था से फॉर एग्जाम्पल 30,000 एंड 25,000 के रेशियो में मिक्स, तो मुझे निकाल के दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड इट्स इन रेशियो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वाई कितना? 60,000। एक्स की कितनी, वाई की कितनी? एडवर्स वीडवर्स नहीं, सिर्फ एक्स एंड वाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000 पक्का। कैसे निकाले? अगर 120 डाले तो कितना निकलता है? 100। तुम्हें कितने निकाला? 50,000 के लिए कितना देना पड़ता है? 60,000। किस रेशो में? तो कैसे बांटेंगे? ओके, जमया, समझा? क्वेश्चन पूर्व टू हो गया था ना सवेरे, फोर ऐसा छुपा वाला है बीच में, ऐसा देखो क्या क्या बोला था? अरे बोल, थ्री क्वेश्चन ना, उसको चॉकलेट है, देखते तुम कितने मिनट में करते। वो तो मैं चॉकलेट दिया तुमको। मराठी में चॉकलेट के दो मतलब होते हैं, पता है? हाँ हाँ, चॉकलेट देना मतलब किसी को येड़ा मनाने का। हाँ, गंडा ना तुम्हारी भाषा में। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता ना किसी को, येड़ा बनाया तेरे को तो उसको बोलना क्या? चॉकलेट बन, चॉकलेट दिया तेरे को ऐसा। हाँ, और भी एक है। नहीं नहीं नहीं, जब ये नहीं रहेंगे ना तब याद दिलाओ, फिर अपन बोलेंगे सिम बॉयस। हाँ, द
The standard mix of a product is X, Y, and Z. 60, 80, 100. 60 units 15 paise per unit, 80 units 20 paise per unit, 100 units 25 paise per unit. हाँ, सवेरे एक चीज बोला था तो ये ऊपर तो स्टैंडर्ड बोला है ना. ये क्वेश्चन ने तुमको चॉकलेट दिया. ठीक है, सो दिस इज बजेटेड. बजेटेड 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्स. दिस मतलब ऊपर वाला कितना है इसका टोटल. लो तो बेसिकली 240 अगर जब इनपुट देते तो आउटपुट कितना. वेरी गुड. दस ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुवरी 10 मिक्सेस वर कंप्लीटेड एंड द कंपोजिशन वाज 640, 960, 840 यूनिट, 20 पैसा, 15 पैसा, 30 पैसा, रुपीज इतना. एक्चुअल आउटपुट वाज 90. ये कौन सा टेबल है एक्चुअल. 90 यूनिट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट मतलब ये क्या हो गया. हाँ, ये फिनिश गुड्स है. वेरी गुड. और क्या बोल सकते हैं इसको. हाँ, एक्चुअल आउटपुट कोई दूसरा नाम क्या है. गोल्डन रूल नंबर 1, कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट वरायंस. तो अपने को टेबल बनाना पड़ेगा फटाफट. टेबल, चलो टेबल. X, Y एंड Z. एक बार टेबल ऑन दो फिर तुम्हारा टाइम काउंट करते 15 मिनट में होता कि नहीं होता. ओके, पहले टेबल फिनिश करेंगे फिर मैं गिन के 15 मिनट की घड़ी लगाता हूं. और नहीं आया तो तेरे को घड़ी देता. तड़ी तड़ी बोलते उसको. किधर तू ऐसे चाय पार्टी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाय में एडजस्ट कर ले. अब वो मेरे को घिन आ गई फिलहाल उस चीज पे. अभी फेल हुए तो उधर ही जाने का है. मैं बोला क्या तुमको वीसीए की प्रथा के बारे में रिजल्ट के पहले. पहले से सेव करके रखे. एक बार गुरुद्वारा जाना पड़ता रिजल्ट के पहले. नहीं रे, वो तो बाद में का हो गया. इंटर के रिजल्ट के पहले जाना पड़ता, एक दिन पहले. जो भी चेंज होना है तभी होना है. ओके, चलो फटाफट टेबल के अंदर पहले कौन सा डेटा डालना चाहिए. स्टैंडर्ड का डेटा. क्या ये तो बजेटेड है फिर स्टैंडर्ड कैसा बोल रहे हैं. एक्चुअल है भाई है. हाँ, बजेटेड रेट एंड स्टैंडर्ड रेट सेम रहता है. 15 पैसे है इसलिए 0.15 लिखा मैंने. 20 पैसे, 25 पैसे. फिर एक्चुअल, एक्चुअल कितना दिया है. क्वांटिटी में 640, 960, 840. फिर 20, 15, 30. तो अमाउंट दिए वाले है इसकी टोटल, इसकी टोटल. तुमको क्या बोलना है तुमको पता है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलनी है. इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा. पहला तुम तुम्हारे हिसाब से करो. स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताइए.
एक्स की क्वांटिटी बताओ, एक्स की स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑप्शन 540, फर्स्ट ऑप्शन 540, क्वांटिटी प्राइस नहीं, एक्स की क्वांटिटी, एक्स की क्वांटिटी 540। और कुछ आ रहा है किसी का? 2600, 2400, 2400, 2400, एक्स का पूछा मैंने, एक्स का 540, 540, हाँ 600, 600, 600, ओके। दो तरीके बताता हूं कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट रेशियो दिया है क्या, 240 10, एक्चुअल आउटपुट कितना है 90, तो 90 के लिए कितना 2160, किस रेशियो में मिक्स करना है 60 80 6:8:10, तो कितना आता है 540 720 900, तो दिस इज द आंसर। या उसका दूसरा तरीका है, क्या बोला था 10 यूनिट के लिए ये, अगर मैं घर पे एग्जांपल दिया पोहे, क्या 10 लोग आ रहे तो ये 60, ये 80 और ये 100 लगता है, कितने बनाए अपन ने 90 लोग आए, 90 तो क्या करना पड़ेगा, 10 के लिए इतना लगता तो 90 के लिए इन सबको 999 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 60 540, 9 × 80 9 × 100, यस आ भी गयो। हाँ क्या करे तुम, वो 10 मिक्सेस की वजह से लफड़ा कर लिए। तो मैंने क्या तरीका दिया है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, एक प्रोसीजर दिया है, इसीलिए दिया प्रोसीजर कि तुम कुछ तो भाई की बातें करते फिर। हाँ, और ये 10 मिक्सेस का डेटा कब इंपॉर्टेंट आता है, जब एक्चुअल डेटा ना हो। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तुमको एक्चुअल डेटा ही नहीं था, क्वांटिटी, इसलिए अपन ने वो यूज किया और एक्चुअल में यूज किया, स्टैंडर्ड में नहीं। तुम स्टैंडर्ड में घुसाड़ के पूरा लफड़ा कर डाले, समझा क्या? जाओ टेबल के नीचे, ऐसा किया तो 15 मिनट में कैसे होता। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट 90, इनपुट आउटपुट रेशियो 240, ये तो स्टैंडर्ड इनपुट आता 2160, तो इस रेशो में बांटने का है। तो नीचे लिखो वैसा, मल्टीप्लीकेशन 81, बोलो 47 एडवर्स, 0 27 एडवर्स,
74 एडवर्स। अभी तुम्हारा टाइम लगाता हूं, अभी देखते कितना टाइम लगता है। एक राइट हैंड साइड मार्जिन मारो, फेयर में करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो। एक तो सबसे पहले गड़बड़ नहीं करने का एग्जाम के अंदर, ठीक है? एग्जाम में अगर गड़बड़ कर दिए, छोटी सी गलती तुमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एक्चुअली कुछ नहीं है, सिंपल ऊपर का देखे नीचे लिखने का है। तुम देखते समय गड़बड़ कर दे रहे, या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते समय गड़बड़ कर दे रहे हो। कुछ कुछ माने गड़बड़ करने के बाद भी टैली कर दे रहे, देखा हाँ सर, टैली हो रहा। अब टैली होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, करेक्ट अमाउंट से टैली होना इज इम्पोर्टेंट। हाँ लिख रहे मन से, और टैली फिगर बाजू वाले से लिख के लिख रहे हैं। हाँ हाँ वो 5 और 6 को ऐसे लिखा, मैं बोल रहा है 540 की 640, सर क्या होना चाहिए 540, तो सर 540 है। हाँ सो योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शुड बी 74 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस 26 एडवर्स, यूसेज 48 एडवर्स। और ये दो लाइन लिखना पड़ता है बाबू मोशाय, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए नहीं है। स्टैंडर्ड मिक्स इज एक्चुअल इनपुट रिवाइज इनटू स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रोपोर्शन, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाते, इसीलिए लिखना जरूरी है कि क्या है स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है? ये 10.33 फेवरेबल आता, ये 58.33 एडवर्स आता, वेरिफिकेशन 48 एडवर्स, ओके? हाँ देखो आराम से तुम्हारा हो गया, मैं एक्सप्लेन करके हो गया, तो 12-15 मिनट में बहुत लोगों का हो गया। किसका क्या, 5-6 लोगों का 12 मिनट में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 चॉकलेट क्वेश्चन है, सही में चॉकलेट मिलेगा। मॉडर्न टाइल्स लिमिटेड, ध्यान दो क्योंकि चॉकलेट क्वेश्चन, मेक्स अ प्लास्टिक टाइल ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 6 × 6 × 1/2, इंटू बीच में मिसिंग है, इंटू कर दो। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर दो ऐसे टिक 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 टिक, वेरी गुड। 6 इंच बाय 6 इंच बाय 6 इंच, ए हाफ इंच, मतलब 6 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई, नहीं पता नहीं, लेंथ ग्रेटर देन हाइट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल्स, द कॉस्ट ऑफ वरेंस इन टोटल, द कॉस्ट ऑफ वरेंस ऑफ सब डिवाइडेड इनटू प्राइस एंड यूसेज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। सिंपल तुमको क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वरेंस निकालना है पूरा। अ स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ कंपाउंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स हाफ थिक, हाफ इंच थिक इज एज फॉलोज। अगर तुमको 20,000 स्क्वायर फीट के टाइल्स बनाने हैं हाफ इंच थिक वाले, तो तुमको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ए 600, बी 400, सी 500। प्राइसेस दिए 0.9, 0.65, 0.4। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा डेटा है, ये वाला पहला टेबल, वेरी गुड, दिस इज बजेटेड। ड्यूरिंग द दिसंबर 8 मिक्सेस वर प्रोड्यूस एन एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड वर, ए का 5,000, बी का 2,900, सी का 4,400, ये क्या है? एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द दिसंबर इज 6,20,000 टाइल, ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट विच इज स्टैंडर्ड आउटपुट, ओके? फटाफट टेबल बनाओ, टेबल टेबल बनाओ, टेबल। टेबल टेबल के अंदर का डेटा,
टेबल के अंदर का डेटा, सबसे पहले क्या इनपुट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड रेट कहां से मिलता? बजटेड से, क्योंकि गोल्डन रूल है बजटेड रेट इज स्टैंडर्ड रेट। कितना है? 0.9, 0.65। एक मिनट, पहले टेबल हुआ क्या? पहला वो क्वेश्चन करो करो टेबल करो सब लोग। पर्टिकुलर्स एक्चुअल में तीन, स्टैंडर्ड में तीन, इनवेरियंस। टेबल बनाओ पहले, टेबल। नॉट ओके, हो गया फॉर्मेट। तो पहले स्टैंडर्ड रेट डालियो 0.9, 0.65, 0.4, हो गया। फिर क्या डाल सकते अपन? कौन सा डेटा? एक्चुअल का क्या? क्वांटिटेटिव डेटा डालो। कितना है एक्चुअल क्वांटिटी? 5000, 2900, 4400। रेट दिया है क्या? 0.85, 0.6, 0.45। अमाउंट 4250, 1740, 1980। टोटल ले लो 7970, 12300। तो चॉकलेट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताने के लिए। बताओ तुम्हारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए, बी एंड सी। कंफ्यूजन हटा देते, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए बताओ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए चॉकलेट, जो भी करेक्ट बताएगा। फर्स्ट ऑप्शन 37200। सेकेंड ऑप्शन 18600। बोलो 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 बोलो। 4650। और कुछ किसी का? नो मोर बेट्स? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो अपन कोई भी क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट चेक करते हैं। इनपुट कितना दे रहे? 600 प्लस 400 प्लस 500 कितना? 1500 का इनपुट दे रहे, तो आउटपुट कितना है? 20000। तो 1500 किलो अगर देते हैं तो 20000 स्क्वायर फीट का भार आता है। नाउ अपने को आउटपुट कितना दिया है? 6,20,000 टाइल्स स्क्वायर फीट दिया है क्या? नहीं, तो तुमको यूनिट तो मैच करने पड़ेंगे। 6,20,000 टाइल्स स्क्वायर फीट और टाइल सेम यूनिट है क्या? जब तक सेम यूनिट नहीं है तुम कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, तो तुम्हारा पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है यूनिट सेम करना। एक तो टाइल्स को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करो या स्क्वायर फीट को टाइल्स में कन्वर्ट करो। ओके, तो स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्क्वायर फीट?
वन स्क्वायर फीट कितना होता है? एक फीट बाय एक फीट, ऐसा अगर टाइल रहा तो उसको वन स्क्वायर फीट बोलते हैं। जो तुम्हारे नीचे जो टाइल है वो अपनी बीसी की जो है वो डेढ़ फीट बाय डेढ़ फीट की है एक्चुअल में, तो या दो फुट के पता नहीं, तो डेढ़ या दो फुट की है वो, ठीक है। तो ऐसा ये टाइल है डेढ़ बाय डेढ़, तो वैसे एक बाय एक की रही तो वन स्क्वायर फीट, और वन फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? 12 inches, ओके। तो एक स्क्वायर फीट में कितने आएंगे? 12, तो 6, 6, 6, 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, तो एक स्क्वायर फीट में कितने टाइल्स बैठ रहे 6 बाई 6 के? 1, 2, 3, 4, तो 1 square feet मतलब 4 टाइल्स एक, तो 20,000 स्क्वायर फीट है, मतलब कितने टाइल्स हो गए? 80,000, या फिर 6,20,000 मतलब कितने स्क्वायर फीट? तो डिवाइड बाय 4 करो, 1,55,000 स्क्वायर फीट। तो तुमको 20,000 था, तो बेसिकली 80,000 टाइल के लिए 1,500 लगता है, तो 6,20,000 के लिए कितना? ₹11,625, ये इतना इनपुट लगेगा। या उल्टा सोचो, बस 20,000 के लिए इतना, तो 1,55,000 के लिए कितना? आंसर सेम आता है, 11,625। पर इसको किस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा? 6:4:5, बाटो 6:4:5 में इसको 15 divided by 6, 4650, that is the correct answer, 4650, very good chocolate। तो लिख लो ये उसके टेबल के नीचे, 1 square feet मतलब 4 टाइल्स, और डायग्राम भी ड्रॉ करना, तो 20,000 मतलब 80,000, आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअल आउटपुट कितना था? 6,20,000, तो इनपुट आउटपुट रेशियो 1500 किलो का इनपुट देंगे, 80,000 टाइल बाहर आएंगे, तो इनपुट आता है 11625, इस रेशियो में बांटना पड़ता। और इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को भारी कुछ अलग करके रखो नोटबुक में, टेक्स्टबुक में। एक मिनट, आराम से। पहले क्या करी तुम? पंद्रह सौ को डिवाइड बाय होना चाहिए ना, 1500 अरे वो आंसर वही आ रहा, पर क्या करी मेरे को समझना तो पड़ेगा ना। क्यों 10,000 से? स्क्वायर फीट और 10,000 का
मुझे बता कि स्क्वायर फीट और 10,000 का क्या नाता है? क्यों 10,000? 1,000 क्यों नहीं? 1,00,000 क्यों नहीं? 1 करोड़ क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? ऐसा आंसर आने के लिए थोड़ी कर सकते हैं, एग्जाम में तुझे क्या पता कि आंसर क्या है? करता ये लिख लिए, ओके शांति से। एग्जाम में तुमको कब क्लिक होना और कैसे क्लिक होना वो भी बताता हूं। तुमने क्या करे इस क्वेश्चन में, कितना इनपुट दिए? 600 प्लस 400 प्लस 500, 1500 इनपुट दिए। 1500 इनपुट दिए तब आउटपुट क्या आया? 20,000 स्क्वायर फीट। तो मैं इनपुट आउटपुट रेशो क्या लिखूंगा? अगर तुम जनरल भी लिखते तो 1500 दिए 20,000 आया। अभी आउटपुट कितना दिया? 6,20,000। 6,20,000 के लिए कितना? अगर ये करूं तो क्या गलत होगा? ये 20,000 स्क्वायर फीट है और ये टाइल्स है। जब तक यूनिट मैच नहीं होंगे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। एक तो स्क्वायर फीट को टाइल में कन्वर्ट करो और टाइल को स्क्वायर फीट में। किस में किसको कन्वर्ट करना है वो बाद में सोचेंगे। तो मुझे पहले जानना है कि एक स्क्वायर फीट में कितने टाइल्स आते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, स्क्वायर फीट मतलब एक फीट, एक फीट। इसको वन स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो वन स्क्वायर फीट मतलब 12 इंच। 6 6 6 प्लस 6 12 6 प्लस 6 12। एक स्क्वायर फीट में कितने टाइल बैठेंगे? ये 6 हो गया तो ये भी 6, ये 6 तो ये 6, ये 6 तो ये 6। ये एक टाइल हो गई 6 बाई 6 की, 6 बाई 6 की एक टाइल। तो ये 6 बाई 6 की एक टाइल, ये 6 बाई 6 की। तो एक स्क्वायर फीट में कितने टाइल बैठ रहे हैं? 4 टाइल्स बैठ रहे हैं। एक स्क्वायर फीट के अंदर 4 टाइल्स बैठे हैं। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 4 टाइल्स। फिर दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो। एक तो स्क्वायर फीट को टाइल्स में कन्वर्ट करो या टाइल्स को स्क्वायर फीट। मैंने स्क्वायर फीट को टाइल्स में कन्वर्ट किया। तो 20,000 स्क्वायर फीट मतलब कितना? 80,000। ये करो 80,000। अगर 80,000 1500, 6,20,000 क्या? 11625। समझा? इस क्वेश्चन में तुमको यूनिट के ऊपर ध्यान देना था, यूनिट। तो जाओ मेन एग्जाम में आंसर पुट अप करो। तुम्हारे वरायन से साथे किसमें? 4। हो गया राइट हैंड साइड मार्जिन। फटाफट राइट हैंड साइड मार्जिन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आउटपुट नहीं, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट कितना है? 7750 और एक्चुअल कॉस्ट 7970। तो तुम्हारे मार्जिन के अंदर कितना आता है?
220 एडवर्स, 220 एडवर्स का मतलब ओफू, ओफू सात हजार सात सौ पचास वाला काम अपन ने 7970 में करे तो 220 रुपए का नुकसान, समझा? तो एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। करो फटाफट, 14 मिनट की जगह कितना मिनट लगते देखते। चुपीच बोला बोले 14, 7 मिनट, चलो होता 7 मिनट में। प्राइस एंड यूसेज ये आया क्या? देखो फर्स्ट तो ये आंसर आना चाहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।